वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दिवाली का त्यौहार है ते दिवाली का त्यौहार पूरे देश दे विच धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। चारे पासे रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है, पर इस त्यौहार की सिख ते हिंदू धर्म दे विच काफ़ी महत्ता है। हिंदू धर्म की गल कर लिए तो हिंदू धर्म दे विच श्री राम जी ते सीता जी ते लक्ष्मण जी 14 साल का वनवास कट के अयोध्या वापस आए से, जिस तों बाद खुशी दे विच दीवे बाले गए सन। इस तरह सिख धर्म दे विच भी इसकी काफ़ी महत्ता है। सिख धर्म दे विच इसनू बंदी छोड़ दिवस के वजो मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस, आओ जानते हैं साड़ी खास रिपोर्ट तो। अज के दिन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ग्वालियर के किले तो रिहा हो के श्री अमृतसर पुजे सन ते गुरु की नगरी के वासियों ने घ्यो दे दीवे बाल के खुशी का इजहार किया। दरअसल उस वेले दे मुगल बादशाह जहांगीर गुरु साहिब दी वधदी फौजी ताकत तो घबरा गया सी, इसलिए उसने गुरु साहिब नू ग्वालियर दे किले च नज़रबंद करवा दिता सी। बाद विच जदों बादशाह ने गुरु साहिब नू रिहा करन दा फैसला किया तां गुरु जी ने शर्त रखी कि उन्हां दे नाल कैदी बना के रखे 52 राजां नू भी रिहा करना होगा। आखिर जहांगीर नू गुरु जी दा इह शर्त प्रवान करनी पई ते इंज गुरु हरगोबिंद साहिब जी बंदी छोड़ दाता खवाए गए। इसलिए ग्वालियर स्थित गुरुद्वारा साहिब दा नाम भी बंदी छोड़ दाता ही है। बंदी छोड़ दिवस सानू दुनिया के हर किस्म के बंधना तो मुक्ति का सुनेहा भी दिंदा। तद तो ही कहावत दाल रोटी कर दी दिवाली अमृतसर की प्रसिद्ध हुई है। रिहाई तो बाद जिस दिन गुरु साहिब रिहा होकर परते सन, उस दिन दिवाली का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथा अनुसार इसे दिन ही श्री राम सीता जी ते लक्ष्मण जी 14 साल का वनवास कट के अयोध्या परते सन। इंज अज के दिहाड़े की समाजिक खुशी सुभाविक तौर पर धूण सवाई हो जाती है। रोशनियां का त्यौहार दिवाली जिते हनेरे नूं चानण रूप बख्शदा है, तिवें ही सानू अपने मनां दे विच जागरूकता दे दीप बालन की प्रेरणा भी दिंदा है। अज के दिन मना दी मैल ईरखा जा खात्मा करके आपसी प्यार भाईचारे समाजिक एकता ते खंडता नूं वधाउण दा संकल्प लैण दी लोड़ है। दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली दे सिर्फ कुछ चिर ही बलदे दीवियां ते कर्म क्रियावां नालों गुरमुख दा चिरंजीवी हिरदे दा सुखमई प्रकाश अकै ते असीम है। सारे गुरु साहिबान ने सदा सब नू अपने मत्थे ते दीवे बालन भाव सदा जागरूक होण ते रहण दी जांच सिखाई है। होरना सारे धर्मां ते धार्मिक विश्वासां दे मुकाबले सिख धर्म नवां नकोर है, इस लई पूरी तरह विवहारक ते विज्ञानिक लीहां ते आधारित है। इस लई अज दे दिहाड़े दी सार्थकता अपने हिरदे रूपी दीपक नू गुरु ज्ञान नाल रुशनाउण, परउपकार दा सदगुण तारन करन ते अपनी इतिहासिक विरासत नू संभालन दे उदमां विच ही निहित है। भाई गुरदास जी ने दिवाली दे कर्मकांड रूपी दी निरार्थकता उगाड़ी है। तालासानी महानता ते विलक्षणता कारण बंदी छोड़ दिवस सिख भाईचारे दे अटुट अंग वजों प्रवान चढ़िया। सचमुच ये दिहाड़ा सिखां दे लई प्रेरणादायक है। दिवाली दे रवायती त्यौहारां नू निवेकली सिद्धांतक ते इतिहासक दिख प्रदान करदा है। इसलिए सूरबीर सिंघां ते शहीदां नू भी याद किया जाता है। भाई मनी सिंह ने 1733 ईस्वी के बंदी छोड़ दिवस मौके अमृतसर विखे सिख संगत का वड्डा इकट्ठ करन दा फैसला किया। इसलिए उन्होंने उदों के नवाब जकरिया खान 5000 रुपए का विशेष टैक्स अदा करके उस इकट्ठ लई खास इजाजत लई सी। पर शातर किस्म के उस नवाब ने उस इकट्ठ ते हमला करके सिंघां नू खत्म करन दी साजिश कढ़ लई सी। भाई साहिब नू इस दी सूह मिल गई तो उन्होंने सिखां नू श्री अमृतसर साहिब आउण तों पहलां ही वरज दिता। पर काजी दे फतवे दे आधार ते भाई मनी सिंह नू बंद बंद कट के शहीद कर दिता गया। इंज इस बंदी छोड़ दिहाड़े दा संबंध भाई मनी जी दी शहादत नाल भी जुड़ गया। हालांकि इस वार 31 अक्तूबर अते 1 नवंबर नू दिवाली मनाई जा रही है, पर श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों जो हुक्म होया है कि 1 नवंबर नू गुरुद्वारियां दे विच सिर्फ घ्यो दे दीवे ही बाले जाण।